हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर अपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए भाई लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक हम नहीं बात करना चाहते इसके बारे में, बिल्कुल ही नहीं बोला, मेरा इच्छा ही नहीं था इसके बारे में कुछ बोले। आप देख सकते हैं, ये है मोहतरमा नेहा राठौर जी, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग देखे होंगे इनको वीडियो को। भाई हम इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जब से देखा था नहीं, जब से भैया के अलायंस भोजपा के चुनाव लड़ी है, तब से मतलब देखा था नहीं कि मतलब पता ना क्या मतलब कह दिले भरे पवन भी है एक आगे के, मतलब बकर बकर कुछ बोले तारी। आई देखा आसनसोल से टिकट मिलल रहे भैया के, देखा क्या पोस्ट कैले बनी, मतलब काहे खातिर चुल मचा था हो पवन भैया से, काहे खातिर चुल मचा था, का कुछ बिगाड़ ले लगा तार है। अरे यार शर्मी के भी हद होती है। हाँ ये वीडियो देख ले बनी, तनी देखा वीडियो में क्या कहा था। इसके बाद तो हर लहंगा उठाते रिमोट से फेम रवि किशन जी को दिया। तीसरी बार क्या गाना था, अमर पाली रे मन करे कच्च देना खाली, और लहरिया लूटा ये राजा फेम दिनेश लाल यादव उस निरहुआ जी को दिया। और इस बार जबले चुम्मा नाची खैबू होठललिए से, तो सवतिन ले आई बंगलिए से, और गोदी में लेके जन खोदी ये जीजा जी फेम पवन सिंह जी को टिकट दे दिया है। मैं भाजपा से ये पूछना चाहती हूँ, रवि किशन के तब छोड़ दो चाहे मनोज तिवारी के छोड़ दो, पवन भैया के कोची से फेमी लाल से तोरा पता नहीं खे, पता बा कि ना बा है, वही गाना से फेम मिलल बा, केहू जानत नहीं कि कोची से फेम मिलल बा है, तोहू जानत हो कोची से फेम मिलल बा पवन भैया के, मिलल बा ना, तो काहे खातिर दूसरा के टांग में तू काहे खातिर फंसेलो है, दूसरा के टांग में काहे खातिर फंसेलो, काहे खातिर तोरा चूर मचा था। शादी बियाह हो गइल बा, बढ़िया बारू, काहे खातिर फंसेला पवन भैया के नहीं खे जानत कि कौन गाना सुनकर फेम मिलल बा, के नहीं खे जानत। लॉली पॉप पूरा बिहार से लेके यूपी से लेके पूरा इंडिया से लेके पूरा विदेश में बजल बा, सबके हो जानत लॉली पॉप से उनका फेम भाई मिलल बा, के नहीं खे जानत। और जो गनवा बताओ तर गनवा का, जब अगर तोरा चुनावे लड़े के बाद केहू से बत जा जो जेकर प्रचार करेलू जेकरा कहेलू ओकरा से मांग ल टिकट मिल जाओ तब ना। रहल बात पवन भैया के बारे में है, जे इतना सारा जे पोस्ट करत है ठीक नहीं खेलागत, हम ना बोले के साथ रहनी तारा बारे में भाई लोग, आप लोग एक बार शेयर करके पहुँचा दीजा उनका लगे भाई, ये सब चीज़ ठीक नहीं खेलागत। बार बार भोजपुरी के बारे में भोजपुरी ना तू ठीका लेके रख ले बारू का, तू ठीका लेके रख ले बारू जे के का करी। हाँ ठीक भाई, भोजपुरी में कुछ गलत भी बात है कुछ सही भी बात है, सही चीज के दिखाओ है क्या मतलब, मतलब हम ना बोलते यार खाली पवन सिंह के का, पवन सिंह पवन सिंह जितना ऊपर लेगा है ना उससे ज्यादा कचरा आप लोग कर रहे हैं, पवन सिंह जितना लेगा है ना ऊपर उससे ज्यादा आप लोग कचरा कर रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा समझिए। और पवन भैया के बारे में मत बोली है आना तो फिर दिक्कत हो जाए, जब हतना ही मतलब तोरा दिक्कत बा तब एक बार मिल ला औकात बा मिले के है, उनका लगे कुछो नहीं थे, उनका लगे तो हतनियो उनका लगे ना हो जितना उनका बा, इसे तो काहे खातिर मतलब केहू से अजुराए लो, वो अपना काम करत हवे तू हो अपना काम कर, केहू के बारे में अटपटांग हम ना बोलते भाई, मनोज तिवारी के बोल रहे थे ना बोलनी, रवि किशन के बोल रहे थे ना बोल, लेकिन पवन भैया के बोलिए तो केहू ना छोड़ी यार, केहू ना छोड़ी जे भी उनका सपोर्टर से लेके केहू ना छोड़ी, तो आई चीज के छोड़ दे यार ना ठीक लगेला, तू भी अपना जे करत उसे कर, कोनो दिक्कत नहीं है भाई, भोजपुरी में जे चलत ओकरा खिलाफ ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पवन भैया के बारे में हई गलत सलत कमेंट मत कल करिए, हई थम्मेल जब देखावतारू हई थम्मेल, ई थम्मेल कहाँ ऐसा गाना कहाँ गबले बड़े भाई, भैया कहाँ गईले है, कौन 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 स्टूडियो में चाहे कहाँ कौन गाना बा दिखाओ तनी, मतलब कुछ हो बेशर्मी के भी हद है यार, ये लोग मतलब नहीं मानेंगे, मतलब बदनाम करके ही छोड़ना है एकदम भोजपुरी है, अरे कुछ अच्छा चीज दिखाओ, तू बोल कहे लो कि हम मतलब बहुत अच्छा मतलब बानी अच्छा बानी, ठीक बा तू अच्छा बा तू अच्छा चीज दिखाओ ना यार, अच्छा चीज दिखाओ कहे खातिर कचरा करत हो, तो जे कचरा करेला तो कचरा करबे करेला, जे अच्छा आदमी बात तो अच्छा करी तब ना अच्छा रहा हो। बाकी ज्यादा यार सबके बारे में क्या कही, सब सुधरी गिना सुधरी पते ना चला था, चलो कोनो बात नहीं के, एक बार वीडियो को लाइक करी शेयर करी और मिलत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।